हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके गुड़हल के पौधे में कलियां बन रही है और कलियां गिर जा रही, तो आप ऐसे पौधे को घर पर कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे घरेलू फर्टिलाइजर से आप पौधे को अच्छा कर सकते हो। दोस्तों, गुड़हल एक ऐसा पौधा है जिसकी आप जितना ज़्यादा केयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा इसमें कलियाँ बनते हुए मिलेगी। इसमें पौधा जो है कलियाँ डेली बनाता है, डेली फूल खिलाता है और शाम तक मुरझा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें डेली फूल खिलते हैं और डेली मुरझाते हैं, और ये हम पूजा के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पूजा में गुड़हल फूल की आवश्यकता होती है, बहुत सारे भगवान को लाल फूल जो है वो पसंद है, तो इसीलिए हम घर पर लगा के रखते हैं। तो ये जो गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं, इसे मैंने गमले पे लगाया है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है। अगर आप बारिश के मौसम में एक छोटी सी भी कटिंग कहीं से ला करके लगा देते हैं तो ये आसानी से लग जाता है। बरसात के मौसम में जल्दी लगता है, ऐसे आप अभी भी लगा सकते हैं। बस इसका रखने का थोड़ा तरीका होता है, आप इसे कम धूप वाले जगह पर रखिए तो आसानी से इसमें फिर से जड़ निकल आती है, अगर आप अभी कटिंग लगाना चाहते हैं तो। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, गुड़हल के पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर कलियाँ बन रही है, यहाँ पर कलियाँ बन रही है, लेकिन बहुत सारी कलियाँ जो है वो मेरी झड़ गई है और फूल नहीं खिला है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने रखा था, इसमें जो है डेली फूल खिलता है और डेली मुरझाता है। जो मेरा फूल का भी साइज आया वो बहुत ज़्यादा छोटा आया, यानी कि पूरा पता चल रहा है कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, जिससे पौधा जो है ठीक से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। अगर आपके भी पौधे में कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, कलियां बन रही है और वो झड़कर गिर जा रही है, तो आप कौन सा फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं। जैसे कि ये पौधा जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, जैसे 3 साल पुराना है, तो इसमें मैं चाय पत्ती वाले अभी फर्टिलाइज़र को दे रही हूँ। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है, जैसे कि मैं जो चाय बनाती हूँ और जो चाय पत्ती बचती है उसे वॉश करके अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ और रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर पूरा ब्लैक नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का इसका कलर दिख रहा है। तो यही जो चाय पत्ती है, यूज़ की हुई चाय पत्ती, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। पौधे में नाइट्रोजन की कमी से ही कलियाँ जो है वो झड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कलियाँ जो है मेरी झड़ करके गिर गई है। अगर आज पौधा स्वस्थ रहता तो इससे कलियाँ नहीं झड़ती और वो अच्छे से फूल खिलाता। 3 कलियाँ गिर गई, यानी कि और भी गिरेगी, तो इसमें कुछ अब डालने की ज़रूरत है। तो मैं चाय पत्ती वाले फर्टिलाइज़र को दे रही हूँ अभी, और भी कुछ कुछ दूंगी गाइस, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं गुड़हल के पौधे में क्या वर्क करती हूँ। जैसे कि ये पौधा आप देख सकते हो, ये आज खिला है, लेकिन साइज़ देखिए कितना छोटा है, बिल्कुल मुरझाया सा आया है और बिल्कुल भी अच्छा स्वस्थ नहीं लग रहा है। आपको भी अक्सर ये गुड़हल के पौधे में मरोड़िया वाले रोग वाले फूल दिखेंगे, जिस जो पूरी तरह से खिलेंगे नहीं। तो इसीलिए मैं आज आपको बताती हूँ, जैसे कि ये जो चाय पत्ती वाला फर्टिलाइज़र है, यहाँ पे मैं आपको देख दिखाती हूँ, इसका आप लिक्विड बना के भी देख सकते हैं। अगर जैसे कि अभी सूखा होने लगा है थोड़ा बहुत, जैसे भी लगातार बारिश हो रही थी, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना था, इस सूखा वाला फर्टिलाइज़र को देना था। तो सूखी हुई चाय पत्ती मैं यहाँ पर दे रही हूँ, स्प्रेड कर दे रही हूँ, 1 चम्मच काफ़ी होता है एक पौधे के लिए। तो जड़ के किनारे किनारे दे दिया है, अब गुड़ाई कर ले रही हूँ। अगर कोई जैसे घास फूस भी निकल आते हैं तो उसे हटाना पड़ता है, अभी नहीं निकले इसमें। तो देखिए इस तरीके से मैं गुड़ाई कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अब गुड़ाई हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। ये है केले का छिलका का सूखा हुआ फर्टिलाइज़र। जो केले के छिलके बचते हैं उसे धूप में रख दीजिए, पूरे अच्छे से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद उसे मिक्सी ग्राइंड में पीस लीजिए, देखिए इस तरीके से पाउडर बन जाएंगे। ये पाउडर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है, इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर चारों तरफ थोड़ा सा दे रही हूँ। यहाँ पे 2-3 चम्मच जैसा दे देना है। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और ये ड्राई वाला बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है।
तो ये पीसा हुआ भी है जल्दी से मिट्टी में मिलेगा और जड़ तक पहुँचेगा। अब मैं तीसरा फर्टिलाइजर आपको बता रही हूँ, ये है केले का छिलका और सहजन का पत्ता और उसकी डंटियाँ। उसे मैंने पानी में डालकर अच्छे से उबाल लिया है, लगभग 1 लीटर पानी में उबाला है। अब 1 लीटर पानी में जो इसे उबाला है तो इसमें और 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी ऐड करके हम अपने गुड़हल वाले पौधे में दे देंगे। सहजन के जो पत्तियाँ होती है, डंटे होते हैं, इसे सब चीज़ खाए जाते हैं और ये अनेक बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व तो पाया जाता है। तो सहजन की पत्तियाँ और डंटे आसानी से आपको कहीं भी मिल जाते हैं, आप उसे तोड़ कर ले कर आ जाइए। और जैसे केले के छिलके में पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, तो कच्चा केला का छिलका का पानी को मैंने उबाल लिया है और उबाल करके तब सारे गुण जो है इस पानी में आ गए हैं और इसी का लिक्विड बना के आप दे सकते हैं। जैसे अभी बारिश नहीं हो रहा तो अभी आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और जैसे कि अभी जैसे सूखा पड़ने लगा है तो आप चायपत्ती का भी लिक्विड फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। चायपत्ती को बस आपको डाल करके पानी में छोड़ देना है। ये यूज़ की हुई चायपत्ती नहीं है, मतलब ये नई चायपत्ती है बिल्कुल। तो नई चायपत्ती को मैंने पानी में डालकर छोड़ दिया है और चायपत्ती के सारे गुण इस पानी में आ जाएंगे। इसके बाद मैं इस पानी को दे सकती हूँ। अभी जैसे पानी देने के बजाय आप ये सब लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पानी देने के बजाय आप ये सब दीजिए लिक्विड बना करके। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इप्सम सॉल्ट का। इप्सम सॉल्ट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, माली भी यही यूज़ करते हैं अपने पौधे में फूल उगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच जैसा इप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इतना बड़ा पॉट के लिए 1 चम्मच काफ़ी होता है। आप इप्सम सॉल्ट जो है वो हर 2 महीने में एक बार अपने पौधे में दीजिए। ये पौधे में पोषक तत्व को बरकरार रखता है। तो इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पर एप्सम सॉल्ट को भी जड़ के किनारे किनारे छिट दे रही हूँ, स्प्रेड कर दे रही हूँ। तो आपको जो अच्छा लगता है, आप ड्राई देना चाहते हैं तो ड्राई दीजिए और लिक्विड बना के देना चाहते हैं तो लिक्विड बना के दीजिए। मैं सारे प्रकार से आपको इसीलिए बता दे रही हूँ। अभी जैसे मैं ड्राई दे रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह पानी दे दिया था, इसीलिए ड्राई दे रही हूँ। और जैसे जब मिट्टी सूखी रहेगी तो मैं लिक्विड बना के भी दे दूँगी। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एंजाइम। दोस्तों एंजाइम जो है वो कैसे बनता है, मैं बहुत सारे एंजाइम रखती हूँ घर पर, केले के छिलके का और ये है ऑरेंज के छिलके का। जो भी ऑरेंज खाते हैं उसके छिलके को फेंकने के बजाय आप बॉटल में डाल लीजिए, उसके बाद उसे पानी डाल लीजिए और वो पानी जो है धीरे धीरे और भी अच्छा हो जाएगा। यानी कि छिलके में जो गुण होते हैं वो उस पानी में आ जाएंगे और इसी पानी को जब आप पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे में और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो कोई भी केले का छिलका, ऑरेंज का छिलका, एप्पल का छिलका, ये सबको फेंकिए मत, एंजाइम बना के रखिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। सालों साल ये ख़राब नहीं होता है, बस आपको एयर टाइट कंटेनर में बनाना है। इसीलिए मैं यहाँ पर ठंडा वाला बॉटल में बना के रखती हूँ और इसमें स्टिकर लगा देती हूँ कि ये ऑरेंज का एंजाइम है इस प्रकार से। और ये है दोस्त नींबू के छिलके का पानी। आप सोच रही हूँ कि ये मैं क्यों बता रही हूँ, जैसे कि अभी एंजाइम बनने में टाइम लगता है 3 से 4 महीना, तो अगर आपके पास अभी एंजाइम नहीं है तो कागजी जो नींबू होता है जिससे आप शरबत बनाते हैं, उस नींबू के छिलके को आप पानी में डाल लीजिए, उसे उबाल लीजिए 10 मिनट। इसके बाद उस पानी का कलर जो है इस कलर में आ जाएगा। इसके बाद आप इस पानी का स्प्रे कर सकते हैं, ये जो है बहुत आसानी से बन के तैयार होता है। और इस पानी के जब आप स्प्रे करेंगे तब आप देखेंगे कि कोई भी प्रकार का मिली बग, भुआ पिल्लू, इस ये सब जो होते हैं वो फटाक से भागते हैं। और इस प्रकार से जो कलियां झड़ जा रही है, ये मिली बग के अटैक से भी होता है, तो इसे कलियां जो है वो झड़ने बंद हो जाती है और पौधा जो है बहुत सालों साल टिकता है, हेल्दी रहता है, हमें काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा आप घर पर बना सकते हैं, आपका बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होगा, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। बस नींबू के छिलके को आपको पानी में उबालना है और छान के पूरे पौधे में स्प्रे कर देना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बहुत अच्छी अच्छी फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दी हूँ कि आपको कैसे घर पर ही अच्छी अच्छी फर्टिलाइजर बना करके अपने पौधे को हेल्दी रखना है, अपने पौधे को बिल्कुल सालों साल टिकाना है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।